सीए में जो आपने धर्म के आधार पर आप बात कर रहे हो उसको हटाओ, फिलहाल नहीं। कौन भरोसा करेगा इन लोगों पर? अब हिंदू मुसलमान 8 तारीख के बाद शिफ्ट कर जाएगा बिहार में, अभी दिल्ली में शिफ्ट किया हुआ है, बचाओ। इतना नफरत, इतनी गाली मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, और दिल्ली के देश की राजधानी में इस तरह का कट्टा, इस तरह का बवाल, इस तरह का उदंडता, जहाँ आम लोग, कॉमन लोग जीना चाहते हैं वहाँ मुस्कुराने, ये हालात नहीं थे। तो 8 तारीख तक इन लोगों को जितना नंगा खेल खेलना है खेल लिए। पहले आप आधार कार्ड को मानो किसी भी कीमत पर, दूसरा आप धर्म के आधार पर आप करिए ना नागरिकता, आर्टिकल 14 सबको कहता है। अब लाइए ना अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित महिला है, अब लाइए ना मधेसी और म्यांमार में जो प्रताड़ित लोग हैं, बस आइए। जिस तरह इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग करके बांग्लादेश में जा करके कहा था कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, मेरे देश आइए, मैं आपको वहाँ सबसे ज़्यादा सम्मान दूँ, अब लाइए कहिए। तो आपको कोमल लोगों से मतलब नहीं है, आपको हिंदू मुसलमान करना है, आपको हिंदू सम्राट बनना है, हिंदू राष्ट्र की बात करने लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सीधा कहा था, छद्म हिंदुज़म, और हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो तो समझना दलित अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों की सामाजिक आर्थिक राजनीति पर हमला हो चुका है। जब अब राजनीतिक रूप से दलितों को, पिछड़ों को, अत्यंत पिछड़ों को कमजोर करने के लिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना होती रहती है मनुवादियों के द्वारा, इनका तो 1 इलेक्ट्रॉल की ओर जा रहा है ताकि दलित का वोट ना पड़े। कल तो ये कह देगा जो निरक्षर लोग हैं वोट ना दो, 28% निरक्षर लोग कौन है, 63% महिलाओं में निरक्षर कौन है? कल तो ये भी कानून ले आएगा ये कि जो 12th class से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वोटिंग राइट उसी को होगा, और जो कंप्लीट निरक्षर है वोटिंग राइट नहीं होगा। तब तो गए, जिसका इतिहास है मूलवासी, आदिवासी, दलित, गरीब, कमजोरों का, तो गए राजनीतिक रूप से, तो आपने वार कर दिया उस पर। अरे विदुर के इतिहास और चंद्रगुप्त के इतिहास को देखो ना, तो इसीलिए इनके लिखित आश्वासन ही लव लेटर है। क्या वैल्यू उसके लव लेटर का, कब ये दूसरा एजेंडा ले आएगा, कहाँ से घुमा लेगा, कौन भरोसा करेगा इन लोगों के लिखित आश्वासन पर?